नमस्कार दोस्तों, अभी अभी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। चलती ट्रेन में किया गर्भवती से रेप, उसके बाद में किया राजीनामा, डीएनए से खुली पोल तो मचा हडकंप। और आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही खास रहने वाली है। यशवंतपुर से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की पेंट्री कार में गर्भवती से रेप के मामले में कोर्ट ने मैनेजर को उम्र कैद सजा सुनाई है। आरोपी भूपेंद्र सिंह तोमर ने सजा से बचने के लिए काफी दाव पेज लगाए, लेकिन बच नहीं सका। यहां तक कि पीड़िता ने रेपिस्ट को पहले पहचानने से भी मना कर दिया। रेलवे पुलिस और अभियोजन की पुख्ता जांच व सबूत के कारण मैनेजर को सजा मिली है। इस केस में डीएनए रिपोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी द्वारा रेल के पेंट्री कार में मैनेजर रहते हुए गंभीर अपराध किया गया है, जो किसी भी दशा में न्यूनतम सजा के योग्य बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। 9 फरवरी 2022 को दिल्ली की रहने वाली 21 साल की पीड़िता मुंबई घूमने गई थी। मुंबई में स्टेशन के बाहर जब वो इधर उधर भटक रही थी, तब कुछ लोगों ने उसे समझाया कि यहाँ लड़कियों को बेच देते हैं, तुम वापस घर चली जाओ। 11 फरवरी को पीड़िता मुंबई के वापस अपने घर दिल्ली लौटने के लिए ट्रेन में बैठी। जिस ट्रेन से वो लौट रही थी उसमें काफी भीड़ थी, इसलिए भुसावल पहुंचने के बाद ट्रेन से उतर गई। दिन भर स्टेशन पर ही रही। उसी दिन शाम 6 बजे यशवंतपुर निजामुद्दीन कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 12629 के एसी कोच में सवार हो गई। उसके पास टिकट नहीं था, इसलिए फर्श पर ही कंबल बिछाकर लेट गई। रात 8 बजे एक लंबे कद का व्यक्ति नीली शर्ट पहने आया, कहा कि यहाँ क्यों सो रही हो, जनरल डिब्बे में सीट खाली है, जाकर सो जाओ। वो पीड़िता को जबरन जनरल बोगी की तरफ ले जाने लगा, उसे कैंटीन वाले डिब्बे यानी कि पेंट्री कार में ले गया, वहाँ उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता चिल्लाई तो उसकी पिटाई भी कर दी, उसे ट्रेन से बाहर धक्का देकर फेंकने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता रोते हुए सामान उठाकर दूसरे डिब्बे में चली गई, लेकिन साथियों उसके साथ तो हादसा हो गया था। अब दोस्तों बता दें कि कोर्ट ने आरोपी मैनेजर को उम्र कैद की सजा सुनाई है, और यह दोस्तों बिल्कुल सही किया है, क्योंकि कोर्ट द्वारा ऐसे ही निर्णय लेने की सख्त जरूरत है, जिससे कि समाज में लड़कियां सुरक्षित महसूस कर सकें और समाज में बिना डर के जी सकें। इससे बलात्कार के मामले पर भी कहीं ना कहीं रोक लग सकेगी। दोस्तों जो इस प्रकार का कृत्य करते हैं उनको कैसी सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय अवश्य बताएं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।